सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, वो विद्या और कला में निपुण थे। इस तथ्य का ज्ञान होने पर पूरा विश्व सनातन संस्कृति के प्रति आस्थान्वित हो सकता है और सनातन सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने पर सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। क्या कुछ विशेष आलोचना हुआ देश के बारे में, देश के हित के लिए क्या कुछ आलोचना वगैरह हुआ? देश के हित के लिए यही आलोचना कि देश के लिए जो घातक तत्व हैं उनको परखने की आवश्यकता है और सनातन सिद्धांत को उद्भाषित करने पर सबके हृदय में सनातन सिद्धांत के प्रति आस्था प्रकट करने की आवश्यकता। अभी जो मणिपुर का इश्यू चल रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ समाधान का कुछ पंथा निकला है? कोई विप्लव होता है तो उसके गर्भ से उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। विप्लव के बाद ही उत्कर्ष होता है। ये सब उत्कर्ष के सूचक घटनाएं हैं। ये सब यहाँ का शिव मंदिर के बारे में जो रत्न भंडार खुलने के लिए जो चर्चा हो रहा है, रत्न भंडार महाप्रभु जी का अभी खुलने की चर्चा ऐसा है कि मैं अंधेरे में ढेला नहीं फेंकता। समिति की ओर से मुझे कोई सूचना नहीं है। समिति हमसे दूर रहना चाहती है, सरकार हमसे दूर रहना चाहती है, सेवाएं हमसे दूर रहना चाहते हैं, तो बिना जानकारी के हम कुछ बोलें उचित नहीं। अब हमारे सामने मुख्यमंत्री के सचिव भी हों, गजपत जी भी हों, समिति के सदस्य हों, मुक्ति मंडप वाले हों, सारी स्थिति को समझ करके फिर कुछ बोलना उचित है, सुझाव देना उचित है। जब हमको इन सब से दूर रखा गया है, कोई हमसे परामर्श नहीं लिया गया, तो अंधेरे में ढेला फेंकना उचित नहीं। डिसीजन हुआ है अगले साल जो रथ यात्रा आएगा उस टाइम में रथ भंडार खुला जाएगा, डिसीजन हो गया। क्या हो गया? तो कल जो समिति का बैठक था तो डिसीजन हुआ है कि अगले साल जो रथ यात्रा है उसी टाइम में रथ भंडार खुला जाएगा। हमें कुछ मालूम नहीं, आप ही बता रहे हैं, इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं। और एक बात है कि तो देश का आगे चुनाव है, चुनाव का बारे में कुछ आलोचना हुआ कि मोदी के साथ जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहा है? चुनाव के बारे में क्या मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ, मोहन भागवत जी को अच्छी तरह मालूम। आप फांसना चाहते हो? अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। धर्म अर्थ काम मुख्य जो चारों द्वार है मंदिर का वो बंद पड़ा हुआ है? चारों द्वार बंद है, एक ही द्वार खुला है, सिंगल द्वार। बहुत भीड़ हो रहा है सिंगल द्वार से। ऐसा है कि मंदिर के प्रांगण में किनका प्रवेश हो किनका प्रवेश ना हो शास्त्रीय मर्यादा तो विलुप्त है। अब तो केवल भीड़ भाड़, धक्का मुक्की ना हो, विप्लव ना हो, यही एक रह गया है। व्यावहारिक धरातल पर बात रह गई, शास्त्र की मर्यादा तो बहुत पहले से लुप्त है। इसलिए शासन तंत्र जैसा उचित समझे तालमेल बैठा करके सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनका क्या कहना है, शासन तंत्र उनकी बात सुने, समिति के व्यक्ति शासन तंत्र अपनी बात रखे, फिर तालमेल बैठा करके जो निर्णय हो उचित होगा। भक्त लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं भीड़ में आगे सही ढंग से दर्शन नहीं हो रहा है, तो चारों द्वार जब खुल जाएगा, जैसे बहुत साल पहले हो रहा था, 2-3 साल पहले जो कुछ हो रहा था उस दिशा से चलना। अगर चारों द्वार खुलने पर भी भीड़ अधिक हो गई तो 5वां 6ठा द्वार भी बना नहीं पड़ेगा। आप समझे नहीं, भीड़ तो बढ़ती जाएगी। पहले क्या है, पैदल यात्रा या फिर घोड़े से यात्रा या ऊँट से यात्रा करते थे व्यक्ति, यही ना, रथ से यात्रा करते थे। आजकल तो बस हेलीकॉप्टर है और क्या है,
कार है, सब कुछ है, ट्रेन है, आजकल भीड़ ज़्यादा ही है, मर्यादा साफ समय कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में मान लो चारों द्वार खोल दिए गए, उसके बाद भी अगर भीड़ ज़्यादा ही हो गई तो पांचवा छठा द्वार भी बनाने का मार्गदर्शन करना चाहिए। मैंने तो कह दिया ना कि समिति के व्यक्ति हमारे पास आए नहीं, जनता के प्रतिनिधि भी आए नहीं, समाचार पत्र में पढ़ा है, आपके द्वारा सुना है, इसके आधार पर मैं क्या बताऊँ। धार्मिक विषय तो अब रहने गया, केवल भीड़ भाड़ को नियंत्रित करें, कोई धक्का मुक्की ना हो, अशुभ घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, यही तो बात रह गई। शास्त्रीय मर्यादा तो लुप्त, पहले यह मर्यादा थी शंकराचार्य आवे तो दक्षिण का द्वार खोला जाए, उनके लिए दक्षिण का द्वार बंद रहता था, शंकराचार्य आवे दक्षिण के द्वार से जाएंगे, अब तो कोई मर्यादा नहीं है, समझ गए ना, अब कोई मर्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल कोई दुर्घटना ना हो, इस दृष्टि से व्यवस्था हो सकती है, शास्त्रीय व्यवस्था तो वहाँ लुप्त है।